आपने देखी होंगे ये यूनिवर्सिटीज, उसके अंदर जो अध्यापक का एक होता था वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी बहुत ज्यादा होता था, मगर इस दफे इस एक्ट के माध्यम से एक मिनिमम 75% अध्यापक जो होंगे वो परमानेंट होंगे, उनकी गुणवत्ता का भी एक ऑनलाइन एक प्रावधान होता है उसके तहत मॉनिटर होएगा। ये सब चीजों को देखते हुए और इसकी एक लैंड एरिया जो कहीं यूनिवर्सिटी आपके शहर के अंदर आती है, अर्बन आती है, तो मिनिमम 20 एकर्स लैंड चाहिए उसके लिए, और जो आपकी ग्रामीण में आती है वो 50 एकड़ की इसके अंदर लैंड एरिया का इसकी आवश्यकता है। जो 27 जो चल रहे हैं, ये तो नए के लिए हो गया, जो 27 चल रहे हैं उनको एक साल के अंदर इन चीजों के अंदर उनको जो एक्ट के तहत उसको अपने अपने आप को उस यूनिवर्सिटी को उसके अंदर लागू करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, डिटेल में और आप लोगों को मिल जाएगा तो उसमें आप देखेंगे। हाँ, अलग से हमारे बीच में हम लोग के ACS भी बैठे हुए हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उनको भी कहीं आप लोगों के कोई प्रश्न बाद में है तो आप जरूर उसमें। एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, एक ही बिंदु और रह गया तो आप फिर उसके बाद ले लीजिएगा, ठीक है ना। वो भी इन्हीं से रिलेटेड ही है आपका सब बिंदु। जो आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन किया जा रहा है, बेसिक इसके अंदर यह है कि हम लोग के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, जो आपके अशासकीय जो आपके प्राप्त जो होते हैं माध्यमिक शिक्षण संस्थान, साथ साथ जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालय होते हैं, इनके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है और उसका निस्तारण ठीक से हो नहीं पाता, कोर्ट्स में केसेस चलते रहते हैं। तो इसलिए ये एक बॉडी बनाई जा रही है जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण, और ये विवादों का शीघ्र निस्तारण कर सके उस दिशा में ये निर्णय लिया गया है, और ये अध्यादेश के भी माध्यम से लेकर आ रहे हैं, और इसके अंदर प्रावधान होंगे कि अधिकरण के अंदर अध्यक्ष हैं एक उपाध्यक्ष जो नायिका से नायक होंगे, एक उपाध्यक्ष जो प्रशासनिक होंगे, उसके अंदर मिनिमम 3 अन्य नायक और प्रशासनिक सदस्य भी होंगे। नायक क्यों होता है? तीन अलग अलग होंगे, तीन अलग होंगे, और इसके अंदर जो लागत है वो 6.15 करोड़ की है जो आएगा। और इसके अंदर एक और प्रावधान है कि आपने इस अथॉरिटी के पास गए, एपलेट के पास गए, वहां पे आपको लगता है कि आपके साथ जो न्याय है वो पूरा नहीं हुआ है, तो 90 दिन के अंदर आप उच्च न्यायालय में भी अपनी अपील कर सकते हैं। तो विद इन 90 डेज जाना पड़ेगा, इसके अंदर ये भी रहेगा। तो ये आज 6 बिंदु थे और आपके बीच में रखा है, कोई अलग से कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछो। इस पे एजुकेशन वाले में तिवारी जी से कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा ये एक्ट है, एक्ट जो है वो अब जाएगा आपके असेंबली में, और असेंबली पास कोई भी एक्ट लागू नहीं हो सकता जब तक कि संविधान की पद्धति है वो आपका असेंबली से जब तक कि पास नहीं होता, मगर ये मसौदा तैयार किया गया है ऑर्डिनेंस इसलिए क्योंकि बहुत चीजें पेंडिंग चल रही हैं, उन लोगों को भी क्लियरेंस देना है तो उसके आधार पर ये एक निर्णय लिया गया। ये तो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होगा, नायक तो उसी से आते हैं, जैसा नाम स्पष्ट है जुडिशियल का मतलब जुडिशियल साइड से होंगे जो जुडिशियल सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों या इक्विवेलेंट रहे हों, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे वो IAS भी हो सकते हैं, PCS भी हो सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस
इसमें क्वालिफिकेशन जो लेटाउन है वो दोनों तरह की क्वालिफिकेशन है। इसमें जो मेंबर होने के लिए है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, उसमें आईएएस से या पीसीएस से जो एक पर्टिकुलर स्केल में रहे हैं, उस स्केल के ऊपर, उस स्केल में उस स्केल से ऊपर रहे हैं वो मेंबर हो पाएंगे। और इसी तरह से जुडिशल मेंबर के लिए जो जुडिशरी साइड से आएंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। चर्चा होगी उस पर, उसके बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं, उसके लिए एज बार है केवल 62 इयर्स के बाद है मेंबर उनके लिए, अध्यक्ष के लिए 65 इयर्स का है। नियामक आयोग ने नहीं किया है, यूपीपीसीएल का प्रस्ताव नियामक आयोग में गया है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, चर्चा होगी वहां, सुनवाई होगी उसके बाद। देखिए बहुत हम लोगों को उप मुख्यमंत्री जी को ये बड़ा दुखद समाचार कल मिला था, और तुरंत मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि वहां पर आज पार्थ शरीर आने वाला है, और उम्मीद करते हैं वो 1:30 बजे तक ही आएगा, 1:30-2 बजे तक ही मेरठ पहुंच जाएगा, और वहां पे जिलाधिकारी से मैं स्वयं संपर्क में भी हूं। तो आज सुरेश राणा जी को सरकार की तरफ से हमने वहां पे भेजा है, वो वहां पे रहेंगे सरकार की तरफ से, और जो भी परिवार के लिए जो जो एक धनराशि होती है और जो भी सहायता होती है, परिवार में सदस्य होते हैं कई, उनकी वाइफ बच्चे, जो भी परिवार के उसको नौकरियों का होता है, वो सब चीज़ें करी जाएंगी, उसके लिए भी डीएम को कह दिया, वो पूरा बना लेंगे। जब तक कि राणा जी पहुंचेंगे तो उनके परिवार से अलग से बैठ के बातचीत करी जाएगी, मगर ये एक दुखद समाचार है। और इतना ही कह सकते हैं कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी घटनाएं हैं वो चल रही हैं, और समय समय पर उस पर कड़ी कार्रवाई भी करी जा रही है और जवाब भी दिया गया है, और